हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ब्लाउज़ के लिए चार्ट, ये ब्लाउज़ के लिए चेस्ट के हिसाब से नेक कितना लेना है, शोल्डर कितना लेना है और डीप नेक होगा तो आपको शोल्डर कितना लेना है, तो ये इस चार्ट में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। अब देखिए, यहाँ पे हमें ये चेस्ट का नाप लिया है। ये चेस्ट के हिसाब से हमें ये जो नेक है ये नेक आपको लेना है और ये जो शोल्डर है शोल्डर आपको लेना है, और यहाँ पे हमारा ये डीप नेक होगा तो आपको शोल्डर कितना लेना है तब ये देखते हैं। अभी ये पूरा ब्लाउज के लिए मैंने ये चार्ट बना के आपको बता रही हूँ कि कैसे और कितना लेना है। जैसे नॉर्मल नेक के लिए हमें ये जो नॉर्मल नेक होगा उसके लिए आपको शोल्डर अलग लेना है और डीप नेक होगा उसके लिए भी आपको शोल्डर अलग लेना है। अब देखिए, ये चेस्ट के हिसाब से अभी 32 चेस्ट से 46 चेस्ट तक मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे और कितना लेना है। अब देखिए, यहाँ पे हमारा चेस्ट है 32 इंच, उसके लिए नेक, जैसे मीडियम नेक होगा आपका 6 या 7 इंच, 6 इंच या 7 इंच आपका नेक होगा तो उसके लिए शोल्डर आपको लेना है 5.5 इंच। अभी इसके आगे आपका जैसे डीप नेक होता है तो आपको शोल्डर लेना है शोल्डर डीप नेक के लिए 5 इंच, जैसे आधा इंच आपको शोल्डर को कम करना है, डीप नेक होगा तो आपको शोल्डर कम लेना है। अभी उसके बाद 34 चेस्ट के लिए नॉर्मल मीडियम गला जो है, जैसे 6 इंच या 7 इंच गला होगा तो आपको शोल्डर लेना है 5.5 इंच, और डीप नेक होगा 7 से आगे, 7.5 इंच, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच गला होगा तो आपको शोल्डर लेना है 5 इंच। 36 चेस्ट के लिए मीडियम नेक होगा आपका 6 या 6 से 7 इंच तक, जैसे 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच तो आपको शोल्डर लेना है 5.5 इंच, और डिप नेक होगा 7 से आगे नेक होगा आपका तो शोल्डर आपको लेना है 5 इंच। 38 चेस्ट के लिए ये नेक जो है 6 से 8 इंच तक, 38 चेस्ट के लिए 6 से 8 तक शोल्डर लेना है आपको 6 इंच, और इसका आपको 8 से ज़्यादा होगा, 8.5 इंच, 9 इंच, 10 इंच आगे होगा तो शोल्डर शोल्डर लेना है डीप नेक के लिए आपको 5 इंच, जैसे इससे आगे होगा आपका नेक 8 से ज़्यादा यानी कि 9 इंच, 10 इंच होगा तो डीप नेक के लिए आपको शोल्डर लेना है 5 इंच। अभी 40 चेस्ट के लिए मीडियम नेक 6 से 8 इंच नेक होगा आपका तो आपको शोल्डर लेना है 6 इंच, और डीप नेक होगा 8 से आगे आपका नेक होगा, जैसे 8.5, 9, 10 इंच जो भी आपका गला होगा उसके लिए डीप नेक होगा तो आपको शोल्डर लेना है 5.5 इंच, लेकिन मीडियम नेक होगा तो आपको शोल्डर लेना है 6 इंच। उसके बाद 42 इंच के लिए, अभी 42 इंच के लिए नेक आपका 6 इंच, 7 इंच या 8 इंच होगा तो आपको शोल्डर लेना है 6 इंच। अभी शोल्डर आप 6 इंच लेंगे, ये नॉर्मल मीडियम नेक के लिए आप शोल्डर 6 इंच लोगे तो आपको डीप नेक के लिए आपका शोल्डर जो है वो 5.5 इंच लेना है। उसके बाद आपको 44 चेस्ट का, अभी 44 चेस्ट के लिए मीडियम नेक यानी कि 6 से 8 तक, 6 इंच, 6.5 इंच, 7 इंच या 8 इंच मीडियम नेक आपका होगा तो आपको शोल्डर लेना है 6.5 इंच। 44 चेस्ट के लिए आपको मीडियम नेक होगा तो शोल्डर लेना है 6.5 इंच, और डीप नेक होगा तो आधा इंच शोल्डर हमारा कम हो जाता है तो हम डीप नेक के लिए शोल्डर लेंगे हम 6 इंच। 46 चेस्ट के लिए मीडियम नेक यानी कि 6 इंच, 7 इंच, 7.5 इंच जो भी आपका मीडियम नेक होगा 8 तक, मीडियम नेक के लिए शोल्डर आएगा आपका 6.5 इंच। अभी शोल्डर 6.5 इंच आएगा तो डीप नेक के लिए यानी कि 9 इंच, 10 इंच आपका गला होगा तो आपका शोल्डर आएगा डीप नेक के लिए 6 इंच। इसी तरह से आपको ये शोल्डर और नेक के चेस्ट के हिसाब से आपको डीप नेक होगा तो शोल्डर इस तरह से लेना है। जो नॉर्मल शोल्डर रहता है हमारा, जो नॉर्मल शोल्डर रहता है उससे डीप नेक जब हम लेते हैं तो आधा इंच आपको शोल्डर कम लेना है। जैसे चेस्ट के हिसाब से हम गला नॉर्मल रहता है हमारा तो शोल्डर जितना हमारा आता है उतना ही आपको शोल्डर लेना है, लेकिन जब आपका शोल्डर डीप नेक होता है, ज़्यादा डीप गला आप बनाते हो तो शोल्डर आपको कम लेना है, तो जब अब डीप नेक के लिए शोल्डर आपको वैसे ही कम लेना पड़ता है
तो यहाँ पे मैंने ये चार्ट जो है चेस्ट के हिसाब से मैंने आपको बताया है। आप जो भी समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको फिर से समझाती हूँ। लेकिन ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है, बहुत सिंपल तरीके से, क्योंकि यहाँ पे आगे चल के जैसे 40 से आगे ये चेस्ट के हिसाब से, ये जो नॉर्मल नेक के हिसाब से ये शोल्डर जो है शोल्डर बढ़ता है, शोल्डर बढ़ता है, इसलिए 6 साढ़े 6 इंच हमने लिया है। और डीप नेक होगा तो इसका शोल्डर जो है वो कम हो जाता है। तो अब डीप नेक के जैसे डीप नेक में आप शोल्डर कम लोगे तो जो शोल्डर का प्रॉब्लम आता है, जैसे खींचते हैं या गिरते हैं, शोल्डर गिरते हैं, तो ये प्रॉब्लम डीप नेक लेने से क्या हो जाता है। डीप नेक लेते हैं नए नए सिलने वाले होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि अभी डीप नेक लेने पर शोल्डर कम लेना है, तो नॉर्मल शोल्डर लेंगे तो शोल्डर गिरता है। इसीलिए जो नॉर्मल शोल्डर होता है हमारा, ये नॉर्मल गला जो मीडियम नेक होता है हमारा, उसके हिसाब से हमें ये शोल्डर लेना पड़ता है। लेकिन आप उसी हिसाब से आप डीप नेक के लिए भी शोल्डर लेंगे तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि शोल्डर जो है वो गिरेंगे या अच्छे से उसकी फिटिंग नहीं आएगी। इसीलिए आपको क्या करना है, नॉर्मल मीडियम नेक के लिए जो आप शोल्डर लेते हैं उससे डीप नेक के लिए आधा इंच आपको शोल्डर कम करना है, इसका आपको ध्यान रखना है। वैसे ही मैंने 42 चेस्ट से 46 चेस्ट तक मैंने शोल्डर कितना लेना है डीप नेक के लिए और नॉर्मल नेक के लिए, यानी कि मीडियम नेक तो यही तो रहता है, 6 इंच 7 इंच भी हमारा नेक तो रहता ही है, और जैसे 8 इंच तक हमारा मीडियम नेक रहता है। उसके आगे आप लोगे जैसे 9 इंच 10 इंच, जिसको डीप गला पसंद होगा तो उनके लिए शोल्डर आपको थोड़ा सा कम लेना है, इसका आपको ध्यान रखना है। जब आप ये चार्ट मैंने आपको बना के दिखाया है तो अब इसके हिसाब से आप ब्लाउज की कटिंग करोगे तो आपका ब्लाउज भी परफेक्ट आएगा, आपके शोल्डर भी नहीं गिरेंगे और एकदम परफेक्ट टपला का ब्लाउज आएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको ये ब्लाउज के चार्ट जो है नेक के हिसाब से शोल्डर कितना लेना है ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको जो भी समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर फिर से एक बार वीडियो बना के मैं आपको दिखा देती हूँ। लेकिन ये जो है ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है, तो मेरी आशा है कि मुझे आपको समझ में आया होगा।